स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव दीज फोर क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 107। अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बेसिस पे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हमें नेचर बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? इस तरह से बनाया था हमने, इस तरफ डिस्टेंस आया था, इस तरफ टाइम आया था। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारे पास ग्राफ था वो कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए ग्राफ आएगा इस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब जो वर्ड नॉन यूनिफॉर्म है उसके लिए, मोशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा? नॉट स्ट्रेट लाइन, उसको आप zigzag बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह का ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह का ग्राफ होगा यूनिफॉर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब वो जो ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस इस तरफ होता है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आ रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। बताइए ये ग्राफ क्या नेचर है, इसका नेचर क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम आगे चलता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। इसका यही आंसर है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। नेक्स्ट, द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? अब स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास, स्पीड मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपके पास, और आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आपने बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि ना वो कम हो रही है स्पीड कभी उसकी, ना ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड आ रही है उसकी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं। अब उसमें हमने देखा था इस तरह से भी ग्राफ बना था, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरह से भी ग्राफ बना था, इस तरह से बना था ना। तो आपने ये बताना कि जो एरिया आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका जो है आंसर होगा पेज नंबर 107 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।